वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। तो हम और क्वेश्चंस देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर। क्वेश्चन लिखिए, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन गिवन है आपको टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो समझते हैं, कुछ यहाँ सब्सटीट्यूशन तो लगेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर x के फॉर्म में तो गिवन है नहीं, cos x वगैरह दे रखा है। पहले लेट कर लिया हमने इसको y, पूरे को y लेट कर लिया है। अब क्या कह रहा है, यहाँ कोई अंदर फॉर्मूला बन रहा है क्या? फॉर्मूले से याद आया हमें, देखिए फॉर्मूला लिखाया था आपको 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये फॉर्मूला लिखाया गया कि नहीं लिखाया गया? लिखाया गया। किसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स का होता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 है उस फॉर्मूले में, यहाँ भी 1 है, तो हम इस पूरे को कॉस से डिवाइड कर दे रहे हैं। थीटा के अंदर हमने पूरे को कॉस से डिवाइड कर दिया, cos x upon cos x minus sin x upon cos x, cos x upon cos x plus sin x upon cos x, हमने पूरे को यहां पर cos x से डिवाइड कर दिया। तो ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, यहां से क्या बचेगा, y is equal to tan inverse 1 minus tan x upon 1 plus tan x, यही बचेगा राइट। अब हम यहाँ ये फॉर्मूला लिख देंगे, since we know that कि tan pi by 4 minus x का फॉर्मूला होता है 1 minus tan x upon 1 plus tan x, ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर दे रहे हैं। ये फॉर्मूला लगा दीजिए भैया ना, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, y is equal to tan inverse, अंदर हमने फॉर्मूला लगा दिया, क्या हो जाएगा 1 minus tan x upon 1 प्लस टेन एक्स, क्लियर, ऐसे ही होगा। अब यहां पर इसकी जगह, सॉरी हम इसकी जगह फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स, माइनस एक्स, ये टेन इनवर्स टेन से कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिकल फंक्शन, और यहां से हमें मिल जाएगा ओनली पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, बहुत इजी था बट थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगा कि हमने क्या किया इसमें, cos x का डिवाइड करा, फॉर्मूला बनाया, देन हमने इसको सॉल्व किया। इसके लिए सेकंड मेथड भी है, वो भी समझ लीजिए। एक और मेथड जो होती है सेकंड मेथड, इसमें क्या हो रहा है ना, सेकंड मेथड समझिए इसके लिए आप लोग। सेकेंड मेथड के लिए फर्स्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए भाई? फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला होता है। इस जैसा फॉर्म बन रहा है तो हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये इसी फॉर्म में रहने दीजिए, cos x minus sin x upon cos x plus sin x, हमने इसको पूरे को cos से डिवाइड किया। अच्छा ये मेथड भी आपको आनी चाहिए ना, कहीं कहीं यही वाली मेथड बस लगेगी, तो इसलिए आपको दोनों मेथड्स आनी चाहिए। यहां पर हमने cos x से पूरे को डिवाइड किया थीटा के अंदर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, क्लियर। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, जब हमने कॉस से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा हमें, यहां से ये समझिएगा, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहां बचेगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें यहाँ तो 1 है, तो यहाँ तो 1 बन गया है, और यहाँ टेन ए माइनस टेन बी ऐसा कुछ है, तो देखिए ये जो 1 दिख रहा है आपको 1, इसको हम लिखेंगे टेन पाई बाय 4
मिलेगा, पाई बाय फोर माइनस एक्स यहां से मिलेगा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, y की वैल्यू मिली हमें पाई बाय फोर माइनस एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया है यहां से सॉल्व करने पर। क्लियर है, आई होप सभी को आ गया होगा समझ में क्या करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे। यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रूफ करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू टेन इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसमें क्या हो रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले हमें ये तो समझ आ रहा है LHS लेंगे, तो LHS ले लो भाई, इसमें LHS ले लिया, क्या है tan inverse 1 minus x upon 1 plus x, LHS ले लिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको फिर इसी क्वेश्चन जैसे जो सेकंड मेथड हमने की है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अंदर फॉर्मूला बन जाए, ये जो अंदर टर्म्स दिख रही है इसमें फॉर्मूला बन जाए, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझिए क्या होगा, tan inverse यहां हम इसको ऐसा लिखना चाह रहे हैं, ये जो वन लिखा है इसको वन ही रहने दीजिए, अपॉन में वन प्लस वन इंटू एक्स ऐसा लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये जो वन दिख रहा है आपको वन, उसको हम लिख सकते हैं अगेन tan पाई बाय फोर, एक्स की जगह एक्स रहने दीजिए, अपॉन एक्स की जगह हमें यहाँ पर फिर टेन थीटा रखना होगा, या तो इसमें सब्सटीट्यूशन या फिर इनवर्स वाला फॉर्मूला फिर हम यहाँ बनाएंगे। देखिए इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इनवर्स में फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं लिखाया गया है तो नोट कर लीजिए, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी होता है टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन वन प्लस ए इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिएगा यहाँ देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a की जगह कितना है वन है एंड b की जगह कितना है x है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स a की जगह वन है, tan इनवर्स b बी की जगह कितना है x है, tan इनवर्स 1 मतलब कितना होता है पाई बाय 4 होता है माइनस का tan इनवर्स x, भाई 1 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। अभी यहां थोड़ा करेक्शन है इसमें, जो प्रूफ दैट करना है वहां लिख लीजिएगा पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x, एक्चुअल में यही प्रूफ करना था, वो क्वेश्चन मिस्टेक से गलत लिखा हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया है, मींस हम LHS लेके सॉल्व करना स्टार्ट किया हमने और हमें मिल गया है RHS। सिमिलर टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिल्कुल इसी टाइप पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, फॉर्मूला हमें यहां बनाना है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये फॉर्म हमें अंदर बनाना है जिससे हम इसकी जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके लिए यहां पर देखिए इस वाली जगह पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए अगर हम इस फॉर्मूले से इसकी कंपेयर करते हैं तो। ये हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि b cos x की जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम पूरे को डिवाइड कर देंगे थीटा के अंदर, थीटा के अंदर पूरे को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय b cos x। तो b cos x से हमने इस पूरे को डिवाइड करा, क्यों डिवाइड करा ये बात तो आपको समझ आएगी होगी क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें यहां पर 1 बनाना है। तो b cos x अपॉन b cos x प्लस a sin x अपॉन b cos x, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर, तो ये कैंसिल हो गया, b से b, cos x से cos x, यहाँ cos x से cos x कैंसिल,
यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा a अपॉन b माइनस b से b कैंसिल, यहां बचेगा 10x अपॉन 1 प्लस a अपॉन b इनटू 10x, ये बचा, क्लियर। अब हमें इसको देख करके अगेन वही फार्मूला दिखाना है कि हमारा फार्मूला क्या है कि tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, अगर ऐसा हुआ तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर। तो a की जगह अगर आप ध्यान से देखेंगे a के प्लेस पर है a by b एंड b की जगह पर है 10x, तो वो राइट साइड फार्मूले में अप्लाई कर दीजिए, हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स a मतलब a by b माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स b मतलब क्या आएगा tan इनवर्स 10x, क्लियर। तो यहां तो tan इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, बट जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये वाला पार्ट ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहां 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से 10 आइडेंटिकल फंक्शन, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, इसमें हमें प्रूव करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखिए प्रूव दैट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोगों को ये टफ लगता है, प्रूव दैट cot इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस sin x प्लस रूट के अंदर 1 माइनस sin x अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस sin x माइनस ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस sin x इज इक्वल टू x by 2, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इज इक्वल टू x by 2, क्लियर। तो यहां पर हम क्या करेंगे इसमें समझिएगा, अच्छा इसमें साथ में एक्स्ट्रा में इसमें गिवन है हमें कुछ वैल्यू दे रखी है, जो x की वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है 0 टू पाई बाय 4 में, ठीक है 0 टू पाई बाय 4 बिलोंग कर रही है, देख लेते हैं क्या होगा इसमें समझिएगा। तो सॉल्यूशन देखिए, LHS ले रहे हैं हम, सबसे पहले LHS लिया हमने और ये पूरी टर्म लिख ले रहे हैं cot इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस sin x प्लस रूट के अंदर 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x माइनस ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस sin x, राइट। हमने अभी पूरा क्वेश्चन लिखा है, रूट के अंदर जो 1 प्लस sin x है इसको आप ध्यान से देखिए, इस 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 एंड sin x को हम लिख सकते हैं 2 sin x by 2 cos x by 2, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा sin x by 2 प्लस cos x by 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया, क्लियर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और यहां से बचता है sin x by 2 प्लस cos x by 2, तो प्लस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसको आप चाहे sin x by 2 प्लस cos x by 2 लिखिए या फिर आप इसे लिखिए cos x by 2 प्लस sin x by 2, नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्लस में है आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पर अगर 1 माइनस sin x होता तब क्या होगा, देखिए तब हम इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2, 1 की जगह लिखा माइनस ऑफ ट्वाइस sin x by 2 cos x by 2, बात यहां आती है कि ये cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर बनेगा या फिर sin x by 2 माइनस cos x by 2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो इसमें ध्यान रहे अगर इंटरवल 0 टू पाई बाय 4 है तो यहां पर cos की वैल्यू ज्यादा होती है sin से, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है cos x by 2 माइनस sin x by 2 लिखा है, अगर कहीं ऐसा लिखा आ जाए कि x की वैल्यू पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में है तो जस्ट आप पलट देंगे इसको, तब क्या होगा sin की वैल्यू ज्यादा होती है cos से, तो यहां आएगा sin x by 2 माइनस cos x by 2, कुछ लिखा नहीं आता है तो हम यही इंटरवल लेके चलते हैं और जो होल स्क्वायर बनाएंगे वो cos x by 2 माइनस sin x by 2 का बनाएंगे, तो ये यहां पर दोनों फॉर्मूले लगेंगे, इसकी जगह पर हम डायरेक्ट ये लिख दे रहे हैं
और इसकी जगह पर ये लिख दे रहे हैं दोनों टर्म। तो LHS में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमें XY2 वैल्यू लानी है। समझिएगा क्या होगा यहाँ पर, cot इनवर्स ये जो टर्म है इसकी जगह हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं cos XY2 प्लस sin XY2, ठीक है भाई। ओके, इसकी जगह रखिए प्लस cos XY2 माइनस sin XY2, ऐसा बचेगा। अपॉन में क्या बच रहा है, अपॉन में बच रहा है cos XY2 प्लस sin XY2 माइनस ऑफ cos XY2 माइनस sin XY2, राइट। ऐसे ही कुछ बचेगा, क्लियर है। आगे देखिए क्या होता है इसमें, बाहर cot inverse है, ये देखिए माइनस sin XY2 इन प्लस sin XY2 दोनों कैंसिल हो गए, cos XY2 इन cos XY2 प्लस होकर के बचेगा यहाँ से 2 cos XY2। अपॉन में देखते हैं, अपॉन में क्या हो रहा है, cos XY2 प्लस sin XY2, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का cos XY2 माइनस माइनस sin XY2, राइट। तो ये cos से cos कैंसिल होगा अपॉन में, तो ये टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ पर फाइनली रिमेनिंग टर्म क्या बची वो समझिए, न्यूमरेटर में बचा है 2 cos XY2, अपॉन में sin XY2 हो जाएगा 2 sin XY2, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा cos upon sin जो कि होता है cot, cot XY2 बचेगा, cot से cot कैंसिल हो गया, आइडेंटिकल फंक्शन प्रॉपर्टी। तो फाइनली क्या बचा है, यहाँ से XY2 बचेगा, RHS आ गया है, LHS लेकर के चले थे, हो गया hence proof। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व, ये हो गया है प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 by 2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए अंदर कोई फॉर्मूला जैसा नजर आ रहा है कि कुछ फॉर्मूला बन रहा हो, कुछ सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ लगाने हैं। तो यहाँ रखेंगे हम x की जगह tan थीटा, लास्ट में यहां से थीटा की वैल्यू निकल के आएगी tan इनवर्स x, क्लियर। यहां पर हम रखेंगे y की जगह tan phi, tan phi, और यहां से phi की वैल्यू आएगी निकल के tan इनवर्स y, क्लियर। तो ये दोनों चीजें यहां पर रख दीजिए, tan 1 by 2, यहां sin इनवर्स हमने x की जगह रखा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्यों रख रहे हैं ये आपको अगली स्टेप में समझ आ जाएगा। cos इनवर्स यहां रखा हमने 1 माइनस tan स्क्वायर phi अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर phi, क्लियर। ऐसा करा, अब सिंस वी नो दैट sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा। अगेन ये जो दिख रहा है आपको ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ phi है तो cos 2 phi लिख दिया हमने 1 minus tan square phi upon 1 plus tan square phi, क्लियर। ये फॉर्मूला होता है तो ये यहाँ पर हम दोनों ही अप्लाई कर दे रहे हैं, is equal to tan 1 by 2 sin inverse sin 2 theta plus cos inverse cos 2 theta, क्लियर। ऐसा कुछ बचेगा, अब ये साइन से साइन हो गया कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ बचेगा 2 थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 फाई, ये फाई है तो 2 फाई बचेगा। अब ये 2 आ गया यहाँ से कॉमन, और अंदर बचेगा थीटा प्लस फाई, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ tan थीटा प्लस फाई। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए आप tan a प्लस b वाला, क्या फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a।
क्या होगा, ये अप्लाई किया हमने तो ये आएगा टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव, ये आएगा। अब ये टेन थीटा टेन फाइव तो हमने लेट करे थे, टेन थीटा की जगह हम एक्स लिख देंगे एंड टेन फाइव की जगह हम वाई लिख देंगे, तो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, तो ये वैल्यू आ गई है इस फंक्शन की, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप सभी को क्लियर होगा ये। चलिए अब कुछ सब्स्टिट्यूशंस वगैरह देख लेते हैं हम। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड सब्स्टिट्यूशंस थे, भाई कोई फॉर्मूला बन रहा है तो उससे रिलेटेड हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर लगा देते थे। अब हम देख रहे हैं कि टर्म को देख के हम कैसे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए कैसे हम सब्स्टिट्यूशंस लगाएंगे, समझिएगा भाई। अब देखिए अगर टर्म आपको दिख जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसी कोई टर्म दिख जाए रूट के अंदर हो, तो उससे भाई रूट के बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहां हम रखेंगे एक्स की जगह पर ए टेन थीटा। क्यों रखेंगे, अगर ऐसी बात है तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम। अच्छा कॉट भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा ए टेन थीटा ही रखिए, कॉट भी रख सकते हैं, बट हम हमेशा एक फिक्स कर ले रहे हैं कि हम टेन ही रखेंगे जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो हम यहाँ पर एक्स की जगह ए टेन थीटा रख लिया करेंगे। क्यों रखते हैं, क्योंकि टेन थीटा रखने से, ए टेन थीटा रखने से ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बनेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप यहाँ कॉट रखे होते एंड अगर आपने कॉट रखा होता तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज अ कोसेक स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं कॉन्सेप्ट, ये होता है तो इसलिए। बट अगर यहाँ एक ही जगह वन आ जाए, वन प्लस एक्स स्क्वायर दिमाग में बिठा लीजिए स्क्वायर ना, तो यहाँ एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, टेन थीटा रखेंगे, कॉट भी रख सकते हैं, अभी भी बताया मैंने, ओनली टेन थीटा रख देंगे हम इस केस में, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह तो वन आ गया है तो एक ही जरूरत नहीं है भाई। सेकंड पॉइंट अगर आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप रखेंगे एक्स की जगह पर ए सेक थीटा, ए सेक थीटा, या फिर आप रख सकते थे ए कोसेक थीटा, पर जैसा कि मैंने बताया हमेशा हम एक चीज फिक्स कर ले रहे हैं वही रखेंगे, तो हम ए सेक थीटा रखेंगे। ए सेक थीटा रखने से आगे चल के ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर टर्म बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जो कि क्या होता है भाई टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूले प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए अगर एक ही जगह वन आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आप एक्स के लिए क्या रखेंगे, ओनली सेक थीटा रखेंगे, क्लियर। थर्ड पॉइंट है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हम एक्स की जगह रखेंगे ए साइन थीटा, या फिर रख सकते हैं हम ए कॉस थीटा। साइन थीटा रखने से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप भी यहां पर अगर आपने रखा होता कॉस थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप कॉस रखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एक की जगह वन आता है तो एक्स क्या रखेंगे भाई हम, एक्स रखेंगे साइन थीटा रखेंगे, ओनली साइन थीटा या फिर ओनली कॉस थीटा रखेंगे। और यहां से लास्ट और मोस्ट एमपी केस आता है फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर पे आएगा अगर हम रखेंगे रूट के अंदर ऐसा कुछ लिखा हो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, जरूरी नहीं है ओनली ए प्लस एक्स भी टर्म दिख जाए आपको, ए माइनस एक्स टर्म दिख जाए, तो इनमें भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। इनमें हमें रखना होता है एक्स की जगह ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा रखना होता है। क्यों रखते हैं हम इसमें ए कॉस थीटा, क्योंकि आगे चल के यहां पर फॉर्मूला बनता है वन प्लस कॉस थीटा, जो कि क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू होता है, या फिर बनता है वन माइनस कॉस थीटा, जो क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर।
है, इसलिए हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और देखिए यहाँ अगर एक ही जगह वन आ जाए, ऐसे जरूरी नहीं है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि a माइनस एक्स ऊपर हो नीचे a प्लस एक्स हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स आ जाए या फिर वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स आ जाए। वन माइनस एक्स में भी ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, वन प्लस एक्स में भी कर सकते हैं। तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे हम, ओनली cos थीटा रखेंगे, क्योंकि एक ही जगह पर क्या हो गया है, वन हो गया है, एक ही जगह तो वैल्यू वन हो गई है। चलिए तो अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये जो सब्स्टिट्यूशंस देखे हैं इनसे रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएं। तो समझिए क्वेश्चन हमने लिए हैं बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशंस, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर लगाने रहते हैं। राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसमें भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म इनको प्रूव करना है, ठीक है। सिमिलर टाइप के हैं तो ये भी साथ साथ में देख लेते हैं। फर्स्ट इसको समझिए, कॉट इनवर्स वन अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसा कुछ है। आप चाहें तो इसको कुछ लेट कर लीजिए, हमने वाई लेट कर लिया, लेट वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू क्या है ये, कॉट इनवर्स वन अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन है। अभी क्या बताया था आपको भाई, ये टर्म जब भी आएगी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आप क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह सेक थीटा पुट करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि आगे चल के बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन विच इज टेन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प लेने के लिए हमने यहाँ क्या किया, पुट किया एक्स की जगह sec थीटा, लास्ट में थीटा को हम क्या लिखेंगे यहां से, sec इनवर्स x। तो ठीक है, रख दीजिए इसमें, पुट कर दीजिए वन अपॉन रूट के अंदर x की जगह रखा हमने sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं, साइड में लिख दे रहे हैं, सिंस वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो cot इनवर्स वन अपॉन रूट के अंदर आ जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा, ये जो स्क्वायर है इससे टेन कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा, कॉट इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा बचेगा। वन अपॉन टेन थीटा मतलब कितना होता है, कॉट थीटा होता है, और ये कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, यहां से हमारा आंसर क्या आ गया है, थीटा आ गया है, ठीक है। बट थीटा के फॉर्म में तो आप आंसर लिखेंगे नहीं, आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू रखनी रहेगी एक्स के फॉर्म में। तो यहां से आंसर आएगा हमारा sec इनवर्स एक्स, ये आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो आंसर यहां से, कई बार ऑप्शन में ये अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे में आपका आंसर ये भी हो सकता है पाई बाय टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। अब ये कैसे हो गया आंसर, अगर ऐसा कोई डाउट है आपके दिमाग में तो समझिए भाई, है ना, समझ लीजिए इसको भी, डाउट क्लियर कर लीजिए ना, डाउट नहीं रखने आप लोगों को। सिंस वी नो दैट कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x कितना होता है, पाई बाय 2 होता है, बताया गया कि नहीं, बताया गया। तो अगर आपको sec इनवर्स x की यहां से वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी, पाई बाय 2 माइनस cosec इनवर्स x। कभी आपका आंसर cosec इनवर्स x आता है तो आप उसे लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस sec इनवर्स x, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ये नेसेसरी है आपका आंसर यही सही है, बट अगर ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है तो दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो ये जो रिलेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये tan और cot में भी काम करता है, ये प्रॉपर्टीज आपको बताई गई है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। sin और cos में भी काम करता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। मींस अगर पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x लिखा है तो इसे आप लिख सकते हैं cos इनवर्स x, क्लियर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें बताइए कि क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे हम। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट भी सिमिलर लगेगा। लेट कर लिया y tan इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमें तो वही का वही क्वेश्चन दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है भाई, थोड़ा सा चेंज है, बाहर टेन है और इसमें क्या है, पिछले क्वेश्चन बाहर कॉट था, इसमें बाहर टेन है, तो देखते हैं सब्सटीट्यूशन तो हम वही करेंगे, एक्स की जगह सेक थीटा, क्योंकि टर्म क्या है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यहां से थीटा निकल के आएगा सेक इनवर्स एक्स, ओके पुट कर दीजिए टेन इनवर्स वन अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, एज वी नो दैट कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा टेन इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा। अब अगर टेन यहां से ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो बन जाएगा कॉट थीटा, भाई वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, अब बाहर टेन इनवर्स है, अंदर भी टेन होता तो टर्म कैंसिल हो जाती, तो अंदर टेन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, टेन से टेन कैंसिल, हमारा आंसर आ गया यहाँ से पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ से सेक इनवर्स एक्स, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब अभी अभी बताया था पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है आपके, ये भी सही है और ये भी सही है, क्लियर, तो आप दोनों लिख के आए बिल्कुल इनको, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टार लगा दीजिए इस पे, मोस्ट एम्पी क्वेश्चन है, इसे समझिए आप इसमें क्या होगा, इसको देख रहे हैं यहां पर, देखिए क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान दीजिए क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे बताइए, tan इनवर्स लेट कर ले रहे हैं पूरे फंक्शन को y, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 plus x square minus 1 upon x, हमें यहाँ पर टर्म मिल गई है रूट के अंदर 1 plus x square, आपको भी बताया था x के लिए क्या रखेंगे हम, tan थीटा रखेंगे, जब ये टर्म दिखेगी तो क्यों रखेंगे tan थीटा, क्योंकि 1 plus tan square थीटा क्या होता है, sec square थीटा होता है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेने के लिए हम यहाँ पर रख रहे हैं x की जगह tan थीटा, पुट कर दीजिए पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, लास्ट में थीटा निकालने में क्या आएगा यहाँ से tan इनवर्स x, है निकाल तो यहीं पर है, पुट लास्ट में करेंगे, क्लियर, y इज इक्वल टू, तो देखिए इसमें पूरे फंक्शन, जब भी आप x की जगह tan थीटा रख रहे हैं, कुछ भी सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो पूरे फंक्शन में रखते हैं, ऐसा नहीं कि केवल रूट वाली टर्म में रख दो, क्योंकि हमें वहां सिंप्लीफिकेशन करना है, पूरे में रखना पड़ता है, तो हम यहाँ रखेंगे 1 प्लस x की जगह रखा हमने tan थीटा, अपॉन में भी जो x दिख रहा है उसकी जगह भी हम क्या रखेंगे tan थीटा रखेंगे, क्लियर, सिंस वी नो दैट कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज अ sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, क्लियर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ऐसा बचेगा, क्लियर। अब sec थीटा का क्या किया जाए, इनको sin cos में चेंज कर लेते हैं, sec थीटा को हम लिख रहे हैं यहां से, sec थीटा को लिख रहे हैं 1 अपॉन cos थीटा एंड tan थीटा को लिख रहे हैं sin अपॉन cos थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा, क्लियर है, y is equal to tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आएगा एलसीएम, यहाँ 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्लियर, तो ये वाले cos से ये वाला cos कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन गया हमारा, ये बन गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्वेश्चन सिंपलीफाई होकर के इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन तो हमने देखा ही था पिछले लेक्चर में, फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं, ओके देखिएगा दोनों फॉर्मूले हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, y is equal to tan inverse, न्यूमरेटर में रखा हमने फॉर्मूला 2 sin square theta by 2, denominator में रखा 2 sin theta by 2 cos theta by 2, clear, ये 2 से
कैंसिल, साइन थीटा बाय टू से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा बाय टू अपॉन कॉस थीटा बाय टू। क्लियर, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टेन होता है, तो ये हो गया टेन थीटा बाय टू, टेन से तो टेन कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिकल फंक्शन, यहाँ से टर्म बचेगी थीटा बाय टू, थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम, टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू, तो ये आ गया आंसर हमारा, ये आ गया इसका सिंप्लीफिकेशन, जो टर्म लेके चले थे उसको सिंप्लीफाई करने पर हमें ये टर्म मिली है, हमारा आंसर आ गया है 1/2 इनटू टेन इनवर्स एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों, ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं हम। शो दैट, प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, शो दैट क्या प्रूफ करना है, जरा समझिए भाई क्या प्रूफ करना है, साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर पर माइनस एक्स स्क्वायर को हमें प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स x। क्लियर, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी दिखेगा या तो हम रखेंगे साइन थीटा या फिर रखेंगे हम x की जगह कॉस थीटा, तो इसमें हम रखते हैं साइन थीटा, पुट करिए LHS लीजिए और LHS में पुट कर दीजिए x की जगह पर, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, लास्ट में जब थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे आप, साइन इनवर्स x। थोड़ी सी हिंट आपको प्रूफ दैट से भी मिल गई, साइन इनवर्स लाना है तो कहीं ना कहीं साइन थीटा यहाँ रखा गया होगा, रख लीजिए 2 साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एज वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, ये होता है फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, तो हमने यहाँ लगा दिया इसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से 2 थीटा, थीटा की जगह वैल्यू रख दीजिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया प्रूफ। RHS लेके चले थे हम, सॉरी LHS लेके चले थे हम, और क्या आ गया है, RHS आ गया है, हेंस प्रूफ, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, नोट कर लीजिए इसको। इसका सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं, उसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है सेकंड वाला भी, इसका सेकंड वाले पार्ट में बस क्या करना है, 2 cos inverse x प्रूव करना है, सेम टर्म है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम फिर से वही करेंगे कि sin theta पुट करके सॉल्व करें तो आंसर भी वही आएगा जो पिछले बार आया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट था वो हम अप्लाई करेंगे, x की जगह हम cos theta रखेंगे, theta यहाँ से हमें मिलेगा cos inverse x, इस बार हम क्या कर रहे हैं LHS में रख रहे हैं x की जगह पर cos थीटा, रूट के अंदर आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां से देखिए ये बन गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin से sin कैंसिल आएगा 2 थीटा, थीटा की जगह इस बार क्या रखेंगे हम, cos इनवर्स x, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है, hence proof। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, this is also most IMP question, very very IMP question, तो ये आपके लिए होमवर्क है ना, आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे, देखते हैं भाई कौन कौन सॉल्व कर पा रहा है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थैंक यू सो मच।